वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती, और मैं हूं रजा आपके साथ। और आज हम आए हुए हैं आइडियल कार बाज़ार में, लालबाग में। यहां पर बहुत ही अच्छा अच्छा स्टॉक अभी आया है, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम भाई ले रहे हैं आजकल। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया जनाब अली। हमारे साथ हैं शरीफुल हसन साहब, आप हैं आइडियल कार बाज़ार के ओनर। और आज कौन कौन सी गाड़ी सर दिखाने वाले हैं? आज हमारे पास यहाँ पर है क्रेटा है, वैगनार है जी, पोलो है, सैंपो है, आइटन है, मतलब कुछ नया स्टॉक जो आया है, कम अच्छा रेंज में भी, ज़्यादा रेंज में भी, सभी तरह, मतलब ज़्यादातर 12-13 मॉडल, 9 मॉडल, मतलब आज का स्टॉक काफ़ी बढ़िया होने वाला है। ठीक है, फाइनेंस की सुविधा भी आपके यहाँ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है? ऑल यूपी फाइनेंस? ठीक है, फाइनेंस में देखिए जो चीज़ें हैं सबसे मेन वो बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि हर वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस पर थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं। अगर फाइनेंस कराना है तो 2 साल का ITR, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी स्लिप होना चाहिए, है ना? और बाकी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। और ऑल यूपी के लिए है ये? ऑल यूपी। ठीक है, NOC यहाँ से आपको मिल जाएगी, ऑल यूपी के लिए, कहीं के लिए भी। ठीक है, एक बार आकर के यहाँ पे आप विजिट करें और गाड़ियाँ देखें। आइए स्टार्ट करते हैं और जितनी भी गाड़ी खड़ी है सबको एक एक करके देखते हैं और सबकी डिटेल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑल्टो K10। जैसा कि छोटी गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है ये, और मॉडल की बात करें तो कौन सा है? 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल, ठीक है, फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर कितना चल गई अभी तक? 24,000 चली हुई है, मतलब जेन्युइन चली हुई है 24। ठीक है, मतलब ये 24,000 बहुत कम। अच्छा, तो जैसा कि आप देख लिए भाई, खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर मीटर बैग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी गाड़ी में, जो भी होता है वो बता दिया जाता है। जैसा कि जो लोग देखते रहते हैं आइडियल कार बाज़ार का वीडियो, उन्हें पता होगा पहले भी कई गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो कि बड़े ऊँचे मॉडल में थी, 17-18 मॉडल, और 1 लाख चली हुई थी, तो उनका 1 लाख ही आपने बताया, कोई वो नहीं था कि हाँ कोई छेड़छाड़ हो उसमें, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, प्राइस बता दीजिए इसका। इसका 1,90,000 रुपये की डिमांड है। 1,90,000 रुपये, मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गाड़ी चली तो बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल न्यू समझिए इसको। 24,000 किलोमीटर चली। 24,000 में क्या होता है? कुछ नहीं सर, वैसे ही रखी समझिए। और गाड़ी जी ओरिजिनल पेंट पे, ओरिजिनल पेंट पे, थोड़ा बहुत होगा, हल्का फुल्का। मॉडल क्या बताया? 2012 मॉडल। तो 1,90,000 डिमांड है, कुछ नेगोशिएबल होगा तो बिल्कुल नेगोशिएबल होगा, कम होगा, आप ऑन टेबल आएंगे, बात करेंगे, या गाड़ी आपको पसंद आ रही हो तो आप भाई से कॉल करके इसके लिए बात कर सकते हैं, जो आपको रेट समझ में आ रहा हो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रो पे आ जाते हैं। छोटी गाड़ी में सेंट्रो भी काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और पेंट की बात करें भाई, तो इसका पेंट इसकी साइडें मैंने कराई है। अच्छा, साइडें आपने कराई हैं। ठीक है, मॉडल कौन सा है? पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी पूरी ओरिजिनल है। कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल है। कितना चल गई अभी तक ये? चली है 62,000। अच्छा, 62,000 चल चुकी है ये। ओनर क्या है इसका? ओनर फर्स्ट है। ठीक है, क्या प्राइस हो जाएगी? 165 की डिमांड रखी है। अच्छा, 1,65,000 रुपये नेगोशिएबल है प्राइस। तो 2010 मॉडल है, गाड़ी भी कंडीशन बढ़िया है, एक बार आप आ करके गाड़ी की कंडीशन यहाँ पर देखें, चला करके देखें, और प्राइस जो है वो नेगोशिएबल प्राइस है। तो उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं आपको कलर, पहले देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये पोलो। कौन सा मॉडल है? 2012 मॉडल गाड़ी है। 2012 मॉडल है, ठीक है। ओनर फर्स्ट है? सेकंड ओनर है। कितना चल गई है? चलिए 90,000। डीजल है, पेट्रोल है? डीजल है। तो पोलो के लिए जो लोग बोल रहे थे वो एक बार इसे ज़रूर देखें, डीजल गाड़ी है और बेहतरीन माइलेज डीजल से रहता है इसका, 18-20 का माइलेज है। बाकी ये टॉप मॉडल, सेकंड टॉप है ना, तो सेकंड टॉप है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? इसमें आपके चारों विंडो हैं, वाइपर नहीं, वाइपर नहीं। अच्छा, वाइपर नहीं है। एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, ठीक है। एयरबैग वगैरह? एयरबैग इसमें एयरबैग नहीं होता, ये विदाउट एयरबैग वाली है। ठीक है, क्या प्राइस हो जाएगा इसका? ये 3,25,000 की डिमांड रखी है। 3,25,000 की डिमांड है आपकी, नेगोशिएबल। अच्छा, मतलब ये फिक्स प्राइस नहीं है, फिक्स प्राइस नहीं है, आप इसके लिए बात कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर खड़ी है अल्टो, ये देखिए 2010 मॉडल LXi गाड़ी है ये, और ओनर फर्स्ट है ये? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 45,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। बस 45,000, तो
45,000 जेन्युइन चली है, तो जेन्युइन चली हुई 45,000 गाड़ी, मतलब 45,000 चली तो मतलब गाड़ी वैसे ही है बिल्कुल, आप समझ लीजिए। और माइलेज लगभग इसका 17-18 का आराम से मिलता होगा। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? इसकी डिमांड 1,60,000 रुपये रखी है। 1,60,000, ठीक है, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1,60,000 डिमांड है, बाकी आप भाई से बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है 2012 मॉडल निशान सनी, और गाड़ी ये डीजल है पेट्रोल है? डीजल है, तो डीजल में लंबी गाड़ी जिसको लेना हो इसको ले सकता है, ठीक है। माइलेज वगैरह क्या इसका आता है? माइलेज 18-20 से कम नहीं आएगा। ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनरशिप, ठीक है। 2012 मॉडल फर्स्ट हैंड गाड़ी, और ओनर भी फर्स्ट है। पेंट वगैरह जेन्युइन है? साइडें कराई इसकी मैंने। अच्छा, साइडें थोड़ी सी कराई हैं आपने, ठीक है, बाकी तो गाड़ी में और कोई काम नहीं। तो क्या प्राइस हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा प्राइस? 3,25,000 की डिमांड रखी। 3,25,000 रुपये, तो 3,25,000 रुपये में आपको डीजल गाड़ी, वो भी काफ़ी बेहतरीन मतलब गाड़ी होती है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं भाई? आपके चारों विंडो है, डबल एयरबैग है, ठीक है, इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है इसका, अच्छा है। और ये सेकंड टॉप है जहाँ तक? सेकंड टॉप है, क्योंकि स्टेयरिंग में भी वैल्यूम और मोड दिए हुए हैं इसमें, तो सेकंड टॉप है ये। तो दोस्तों उसके बाद फिर क्रेटा खड़ी है वाइट कलर में, 2017 मॉडल, ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर। कितना चल गई लगभग ये? चली 1,05,000। 1,05,000 चल चुकी है। तो देखा, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जो भी जितना चली होती है उतना ही भाई बताएंगे, कोई यहाँ मीटर में छेड़छाड़ नहीं होता है। तो ये 1,05,000 चली है, और ओनर फर्स्ट है, ठीक है। मॉडल क्या है इसका? 17। 8.5 लाख रुपये की डिमांड है। 8.5 लाख रुपये डिमांड जो है, कुछ कम होगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो कम हो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है। बाकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? सेकंड टॉप है जहाँ तक, ठीक है, करीब 12 लाख रुपये लगा रहे। अच्छा, ये ऑन रोड 12 लाख का आता है? अच्छा, ये 12 लाख की ऑन रोड आती है, बाकी अभी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो 8.5 कर रहे हैं, इसका नेगोशिएबल प्राइस है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद फिर एक और क्रेटा खड़ी है 2017 मॉडल, ये भी है, लेकिन ये ऑटोमेटिक में है और वो मैनुअल थी। तो ऑटोमेटिक में इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं शरीफ भाई? ऑटोमेटिक में इसमें आपको वाइपर, डिफॉगर, एयरबैग, अलॉय व्हील, सब कुछ, सब कुछ है, यानी टॉप मॉडल है ये, ठीक है। अलॉय व्हील मिल जाते हैं इसमें, एयरबैग डबल होंगे इसमें, ठीक है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, सब कुछ। अच्छा, नेविगेशन भी मिलेगा इसमें? इसमें नेविगेशन भी मिलेगा। और ये कितने का लगभग आता होगा नया? ये करीब 17-18 लाख रुपये करीब गाड़ी है। 17.5 के आसपास है ये, तो इसमें तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या इसका हो जाएगा? इसका प्राइस 9,90,000 रुपये डिमांड रखी मैंने। 9,90,000 रुपये और नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, ठीक है। 73 बाप रे बाप। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है ब्रेज़ा, और मॉडल की बात की जाए तो ये कौन सा मॉडल है? 2017 मॉडल है ये। 2017 मॉडल डीजल VDI, ठीक है, ठीक है। 17 मॉडल, टॉप मॉडल है ये? नहीं, टॉप मॉडल है ये, सेकंड टॉप, सेकंड टॉप है। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एयरबैग्स वगैरह इसमें भी होंगे, तो सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। डीजल से माइलेज भी काफ़ी अच्छा ब्रेज़ा का रहता है। क्या प्राइस में हो जाएगी ये? इसकी डिमांड जो रखी है हमने 6,75,000। 6,75,000 रुपये, कितना लगभग चल गई गाड़ी है अभी तक? गाड़ी चली है ये 1,76,000, और अभी भी इसका इंजन वैसे ही रखा हुआ है। 1,76,000 चल चुकी है? 1,76,000 चल गई गाड़ी। अच्छा, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं, चलने में बिल्कुल बढ़िया, इंजन से भी बढ़िया। किसी भी गाड़ी में मीटर बैग नहीं मिलेगा? अच्छा, जो चला हुआ है वो है, ओरिजिनल मिलेगा, सही है, सही है। तो अभी देखिए इसका जो मीटर है, जो है जेन्युइन, जो भाई बता रहे हैं, 1,76,000 गाड़ी ये चल चुकी है, और अभी भी गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, इंजन अभी भी इसका बढ़िया है। यानी इनके इंजन लगभग 3-4 लाख चलते हैं क्या? कुछ नहीं होना है, अगर टाइम से आदमी सर्विस कराए तो उनमें कुछ होता नहीं, मतलब 3 लाख तो आराम से चलना है, ठीक है। तो एक बार गाड़ी आप आएँ, देखें, यहाँ पर विजिट करें, चला करके देखें, अगर समझ में आती है आपके तो आप ले सकते हैं। बाकी जो प्राइस की बात है वो भाई से डायरेक्टली कॉल करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है यूपी 43 नंबर की वैगनार, गोंडा नंबर की, और ये ओनर फर्स्ट है?
ठीक है, VXi 2014 मॉडल, VXi में विंडो इसके चारों पावर है, विंडो हो जाते हैं, पीछे आपके रियर वाइपर हो जाता है, ठीक है, और ओनर फर्स्ट है ये, सिर्फ 45,000 चली हुई गाड़ी, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा भी चली है, कुछ कम भी चली है, जैसे कि 24,000 वाली भी हमने दिखाया था और ये 45,000 चली हुई है, तो प्राइस कितना हो जाएगा इसका? इसकी डिमांड 2,90,000 रुपये की है, 2,90,000 रुपये, जब आदमी ऑन टेबल बैठेगा तो कम कर लेंगे, ठीक है। मॉडल क्या बताया भाई? 2014 मॉडल, 2014 मॉडल की वैगन आर जो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, और जो भी प्राइस बता रहे हैं भाई वो नेगोशिएबल है, ये ना सोचिएगा उसमें कम नहीं होगा, फिक्स प्राइस नहीं है ये। तो दोस्तों उसके बाद फिर देखिए सिल्वर कलर में ये खड़ी है वैगन आर 2016 मॉडल, और वैगन आर अगर आपको लेना है, वैगन आर अगर आप देख रहे हैं कहीं, तो वैगन आर एक बार आकर के यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 लगभग हमें लग रहा है 3 गाड़ी हैं अभी वैगन आर, 5-6 वैगन आर आपके पास हैं, तो स्टॉक में 5-6 वैगन आर हैं, तो वैगन आर के लिए यहाँ पर देखें। और लगभग किस बजट से स्टार्टिंग है वैगन आर की आपके पास? 2,25,000 से स्टार्टिंग है, तो 2,25,000 से स्टार्टिंग है, बाकी आप आकर के चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल दीजिए क्या है? 2016 मॉडल है, VXi है, 2016 मॉडल VXi फर्स्ट ओनर, और 90,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस बता दीजिए। प्राइस का है 3,35,000 रुपये की डिमांड, 3,35,000 रुपये, तो 3,35,000 रुपये डिमांड जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, आप बात कर सकते हैं कॉल करके। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है छोटी गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन गाड़ी i10, और हुंडई की i10 है ये, और ये पेंट है या नहीं? ओरिजिनल पेंट है पूरी, कहीं से कोई टचअप नहीं, टचअप है जैसे कि बम्पर वगैरह, बम्पर वगैरह, लेकिन मैक्सिमम 90% गाड़ी ओरिजिनल पेंट है, 90% ओरिजिनल है, बम्पर है और ये छत और ये साइड है सब ठीक है, केवल बम्पर, ठीक है, आगे पीछे बम्पर खाली टचअप है। मॉडल कौन सा है? 2013 मॉडल की एरा है ये, 13 मॉडल की एरा है ये, 55,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, बस माइलेज इसका 1,500-1,600 आराम से आता होगा, ठीक है। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? डिमांड 2.5 लाख रुपए की रखी है हमने, 2.5 लाख रुपए, ठीक है, कुछ कम हो जाएगा? तो कम होगा, ऑन टेबल आप आएंगे, ये मत सोचिएगा कि 2.5 लाख भाई ने बताया तो 2.5 लाख पे अटके रहेंगे, कम करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, जो कि अगर बात करें पहले की आज से लगभग सन 2000 की, 2004 की, 2003 की, ठीक है, या 98 की बात करा जाए अगर, तो मतलब ये गाड़ी ऐसी थी कि हर घर में थी, बहुत डिमांड में थी, सही बात है, मतलब ऐसी गाड़ी थी कि बच्चन साहब ने भी रखी अपने पास ये, है ना, एक टाइम था। और धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे गाड़ी को अच्छा बनाती गई कंपनी, लेकिन फिर बंद हो गई, तो अभी तो नहीं आ रही स्टीम ये। और ये मॉडल कौन सा है? 2004 मॉडल की है, 2004 मॉडल, 59,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। तो स्टीम अगर मतलब लेने की ख्वाहिश है, बहुत से लोग भाई शौकीन लोग होते हैं जो जिनको गाड़ियां पसंद होती हैं, किसी को जेन पसंद है, किसी को स्टीम पसंद है, तो स्टीम आप ले सकते हैं, ऐसी स्टीम हमें लग रहा है नहीं मिलेगी, क्योंकि 24,000 कितना चली, 29,000 मतलब कि 29,000 चली हुई स्टीम, जो कि जेन्युइन चली हुई है, मतलब कि अभी नई रखी समझ लीजिए, अभी पेंट ओरिजिनल है इसका, तो पेंट भी ओरिजिनल है, 2004 मॉडल है। आरआर कब तक है इसका? री रजिस्ट्रेशन हो चुका है 2025 तक, तो 2025 तक इसका हो चुका है, 2025 तक आप आराम से चला सकते हैं इसको पूरे यूपी में कहीं भी। और गाड़ी वाकई में मतलब बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है अभी, और 29,000 चली है केवल 2004 से अब तक, तो मतलब इसके टायर भी हमें लग रहा है बिल्कुल वैसे ही, धरे ओरिजिनल वही टायर जो कंपनी से आए वही हैं, ये स्टपनी भी अभी वही होगी, स्टपनी यूज़ ही नहीं हुई अभी तक, तो आप सोचिए कि हाँ, जो मैंने मतलब ये बात बोली थी कि हाँ ये नहीं मिल सकती स्टीम, तो वाकई में नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक स्टपनी इसकी यूज़ नहीं हुई, 2004 से लेके अब तक काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जिसने भी रखी है उसने यूज़ ही नहीं किया, चलाया ही नहीं इसका, मतलब बहुत कम चलाया। तो माइलेज क्या मिल जाता है पेट्रोल पे इसका? पंद्रह सोलह का तो आराम से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोल पे ही है अभी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अंदर क्या है इसमें? इसमें आपके फ्रंट पावर विंडो है, एसी है, हीटर है। अच्छा, दो पावर विंडो आपके इसमें मिल जाते हैं, एसी, हीटर, इंटीरियर का काफ़ी अच्छा होता था, ठीक है, वो तो आपको भी पता है, गाड़ी चलने में भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है ये। तो क्या प्राइस इसका हो जाएगा?
इसकी डिमांड 1,15,000 रुपए की रखी है। 1,15,000 रुपए नेगोशिएबल है, तो 1,15,000 रुपए की डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। और ये बात सच है, गाड़ी ये मिलेगी नहीं। अगर आपको स्टीम पसंद है तो इसको फटाफट उठा ले जाइए आकर के बस। उसके बाद पेट्रोल में भी यहाँ पर पोलो खड़ी है जो कि काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में लग रही है, और ये सिल्वर कलर में है। और ये देखिए, ये आपका जो पेंट है इसका, ये हमें लग रहा है थोड़ा बहुत हुआ है, टचअप वगैरह कराया है। अच्छा, बाकी सब ओरिजिनल गाड़ी, बम्पर वगैरह केवल इसमें हमें लग रहा है। ठीक है, तो ओनर कौन सा? ये सेकेंड ओनर पेट्रोल गाड़ी। क्या माइलेज पेट्रोल से दे देती है? कम से कम 17-18 का माइलेज, 17-18 का दे देती है। बहुत बढ़िया है, फिर पेट्रोल पे 17-18 का दे रही है अगर। और सेकंड टॉप होगी ये? सेकंड टॉप। एयरबैग वाली है? एयरबैग है। एयरबैग है? अच्छा, तो दो एयरबैग इसमें होंगे। दो एयरबैग मिल जाएंगे आपको पेट्रोल में, अच्छा खासा माइलेज भी मिल रहा है। अच्छा, मेंटेनेंस की बात करें तो इसका कम है डीजल का? पेट्रोल का कम है, जाहिर सी बात है पेट्रोल का कम है, तो पेट्रोल का कम है, डीजल में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या प्राइस हो जाएगा इसका? इसकी डिमांड 3.5 लाख रुपए की है। 3.5 लाख रुपए, 2015 मॉडल, 2015 मॉडल पेट्रोल में पोलो, जिसको भी लेना है वो आ सकता है यहाँ पे। और प्राइस जो है नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा। कितनी चली बताया भाई इसको? चली करीब 70-72 हज़ार। 70-72 हज़ार, तो 70-72 हज़ार चली हुई है गाड़ी। आप आ करके देख लें यहाँ पर, चेक।